तो हाय गाइस, जुल्फी स्मार्ट सर्विसेज से जब भी आप ये देखेंगे ऐसा प्रॉब्लम सैमसंग इन्वर्टर डबल डोर ट्विन कूलिंग प्लस में, जैसे कि डिस्प्ले का कोई भी बटन काम नहीं करता और आपको सिर्फ डिस्प्ले ब्लिंक होता रहता है, तो चलिए आज हम सीखेंगे कि क्या हो गया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। फ्रीज़र और फ्रिज के बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार पकड़े रहें तो आपको पूरे लाइट्स ऑन हो जाएंगे और उसके बाद आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि दोनों एक साथ दबाना है बिना छोड़े या फिर एक दूसरे के बाद नहीं दबाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम वो खुल गया लॉक, और आप जैसे कि फ्रिज का सेटिंग और फ्रीज़र का सेटिंग अपने आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स।